हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल कुमार साहू है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं उनकी जो स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, तो उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है और उसे सुधारने में हम किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं। मैं स्पेशली जो बातें कर रहा हूँ वो हमारी जनरेशन यानी कि यूथ के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो भारत या हमारे जो समाज है उसका विकास जो है, अगर कोई तीव्र गति से कर सकता है तो वो है हमारा युवा। और आप ऑलरेडी जानते हैं कि भारत में युवाओं की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। बट एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक आज हम युवा हैं तो कल हम बूढ़े भी जरूर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में हमारे देश में बूढ़ों की संख्या भी क्या होगी, पूरे विश्व में सर्वाधिक होगी। तो हमें आज से ही हमारे युवाओं को और आने वाली जनरेशन को इस तरीके से तैयार करना है ताकि भविष्य में अगर हम जब बूढ़े हों तो वो हमारी इज्जत कर सकें और हमारी समस्याओं को समझ सकें। अब बात आती है कि जो इन सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है जिसे मैं देखता हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो सारा सॉल्यूशन कहाँ से शुरू होता है, तो शुरू होता है केवल और केवल एक जगह यानी कि स्कूलों से। लेकिन आज ये चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं उनका जो विकास है उस तरीके से नहीं हो रहा है, स्पेशली हिंदी मीडियम स्कूल्स का। हिंदी मीडियम स्कूल दिन प्रतिदिन तेज़ी से उनका स्तर जो है गिरता जा रहा है, जिसके वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। बट ऐसा नहीं कहूँगा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छे नहीं हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छे भी हैं, काफ़ी अच्छे स्कूल हैं। लेकिन जिस तेज़ी से हिंदी की जो एजुकेशन है, हिंदी मीडियम के स्कूलों की जो एजुकेशन सिस्टम है वो जिस रफ्तार से गिर रहा है, उसके वजह से हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमारे हमारे एज के जो लोग हैं जो 1990 के समय पैदा हुए हैं या उसके थोड़े पहले पैदा हुए हैं, वो अधिकतर उन्होंने हिंदी मीडियम के स्कूलों में ही अपनी शिक्षा ग्रहण की है। बट आज की जो जनरेशन है जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा भरा जा रहा है कि वो लोग क्या है, कमज़ोर हैं, उन्हें इंग्लिश मीडियम से ही शिक्षा को लेनी चाहिए थी। और इवन अगर आप देखेंगे आज के जो माता पिता हैं वो भी ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल से एजुकेशन लेगा तो उसका भविष्य सुनिश्चित हो रहेगा, यानी कि वो भविष्य में बहुत कुछ अच्छा करेगा। बट ये बात भी पूर्णतः सही नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूलों में हालांकि कुछ कमियां हैं और हमें उन कमियों को दूर करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं पहला जो मेरे तरफ से जो मुझे लगता है हमें इस चीज़ों के ऊपर गंभीरता से काम करना है। तो पहली स्टेप है कि जो हमारे युवा हैं जो कि उस स्कूलों से पास आउट हुए हैं उन्हें उस स्कूलों से जोड़ना। आप देखते आ रहे होंगे कि हमारे देश का या हमारे स्कूलों से जब हम निकलते हैं, इवन हम जब कुछ बहुत बड़ा बन भी जाते हैं, कुछ अच्छी पोस्ट पे पहुंच भी जाते हैं, तो भी हम अपने स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसका खामियाजा हमारे स्कूल को भुगतना पड़ता है। और इसके वजह से जैसे जैसे स्कूल पुराने होते जाते हैं, आप देखेंगे हिंदी मीडियम स्कूल स्पेशली वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सतत मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता। और दूसरी चीज़, उन्हें आर्थिक संसाधन जो है उनके वो भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इसके विपरीत आप जब विदेशों में देखते हैं जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ जिनके आप नाम सुनते हैं, तो वहाँ पर एक संस्कृति का उन्होंने एक विकास किया है कि जब कहीं भी जब उनके यहाँ का जो बच्चा अब उस कॉलेज से निकलता है तो वह जीवन पर्यंत अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ भाग उस स्कूल को हमेशा डोनेट करता रहता है, जिसके वजह से उनका आर्थिक जो स्तर है, आर्थिक स्तंभ जो है वो मजबूत होता है और वहाँ पर नए नए इनोवेशन को सपोर्ट मिलता है। बट हमारे यहाँ ऐसी कोई संस्कृति डेवलप नहीं है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जो भी मेरे दोस्त ये चीज़ों को सुन रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें इतनी क्षमता है तो कृपया कर अपना कुछ समय या आर्थिक रिसोर्सेज जो हैं, आर्थिक जो संसाधन हैं वो अपने स्कूल या कॉलेज को प्रोवाइड करें। बट मैं स्पेशली फोकस करता हूँ अपने स्कूलों की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं, कुछ आप अच्छा बच्चों को कुछ नई चीज़ें बता सकते हैं, आपके पास कई सुझाव है जिसको आपके प्रिंसिपल को, आपके टीचर्स को बताने से एक नई चेंजेस या एक नई संस्कृति की शुरुआत हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ ज़रूर इनिशिएट करनी चाहिए। इस विषय पे ये आज मेरा एक पहला टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।